वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि ब्रेक पर, अब ब्रेक से आने के बाद हम कुछ मजीद अमूर पर गुफ्तगू करेंगे और वो फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इंटरेस्ट की चीज़ स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे। और अब तक की सबसे बड़ी खबर जो थी वो यही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ साथ ये चीज़ें भी डिस्कस की जा रही थी कि अभी तक वीज़ा जारी क्यों नहीं किया भारत ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पर अभी तक वीज़े जारी नहीं किए, जिसकी वजह से भी एक दफ़ा फिर से कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब मैच होता है तो उसमें वैसे ही हलचल होती है, वैसे ही हाइप होती है, और अब जबकि वीजे भी जारी नहीं हुए अभी तक और खिलाड़ियों ने जाना भी है, और ये सारे मामलात हैं जो देखने हैं, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान। हाफिज साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ जी शायस्ता, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। सर ये बता दीजिए कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्क्वाड के हवाले से, जो टीम का ऐलान हुआ है, इस टीम को किस तरह से देख रहे हैं आप भारत के मैदान में उतरता हुआ, और फिर क्या ये ट्रॉफी लेकर आएगी टीम, ये जो हमने बनाई है अभी जो अनाउंस किया वर्ल्ड कप के हवाले से? देखिए पाकिस्तान के पास यही प्लेयर्स थे, सिवाय एक दो अगर आप कहते हैं कि कुछ तब्दीलियां की जा सकती थी या उनको शामिल हो सकते थे वो प्लेयर्स, उस बारे में बात हो सकती है। जैसा कि जो टेक्निकल क्रिकेट कमेटी है उसने भी सवालात उठाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक रुकनी सिलेक्शन कमेटी के सामने, जिसके सरबराह इंजमामुल हक साहब हैं, उन्हीं से सिलेक्शन कमेटी शुरू होती है, उन्हीं पर खत्म हो जाती है। ये बातें हो सकती हैं कि आप किसी एक की जगह किसी और को ले जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आपकी वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान हो गया है और अब कुछ ज्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है, तो इन खिलाड़ियों पर अब एतमाद भी हमें रखना चाहिए, और उसके साथ साथ अब जिन्होंने इन पर एतमाद का इजहार किया है, अब उनके लिए वक्त है कि उन्होंने उस एतमाद को और अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करना है। ये बात ठीक है कि लोग ये कह रहे थे कि जमान खान के हवाले से या हसन अली की जगह पर किसी और के हवाले से या अली सलमान आगा के नाम पर किसी और के हवाले से, तो ये सब चीजें जेरे बहस जरूर आ सकती हैं, लेकिन ये काबिले बहस है, इन पर बहस हो सकती है। लेकिन जब आपकी टीम का ऐलान हो जाए, बिलखसूस वर्ल्ड कप के लिए, ये कोई बामी सीरीज नहीं है, ये तीन मुल्क की टूर्नामेंट नहीं है, ये वर्ल्ड कप है और ये 2019 के बाद 23 में खेला जा रहा है, 4 साल का वक्त होता है, तो इसमें आप पाकिस्तान के लोगों की नजरें इसके ऊपर हैं कि ये जो लोग मुंतखब हुए हैं क्या ये अच्छा खेल पेश करते हैं या नहीं करते हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, दोहरी जिम्मेदारी है, एक ये है कि जैसे हसन अली टीम में आए हैं उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है बेहतर कारकर्दगी के लिए, जिस तरीके से उनको टीम में शामिल किया गया है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। ये बात भी दुरुस्त है और हकीकत है कि ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी अहल नहीं है, ये खिलाड़ी बासलाहियत नहीं है। अभी एशिया कप से पहले यही टीम आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 भी बनी थी, इसके बारे में बड़ी अच्छी बातें भी हो रही थी, और ये इसी वजह से हो रही थी कि शाहीन आफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, बाबर आजम हो, रिजवान और फखर जमान हो, इमाम हो, शादाब नवाज हो, ये सारे के सारे वो खिलाड़ी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पर भी बहुत अच्छे हैं और बैठे थे टीम भी अच्छा खेलते रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या जो वर्ल्ड कप है ये उसमें उस सलाहियतों के मुताबिक परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बेहतर हिकमत अमली तरतीब देने में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और कप्तान कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, जो कि ये एक कमजोर शोबा है पाकिस्तान का, कप्तान अपनी टीम को बेहतर तरीके से उसकी क़यादत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये भी एक कमजोर शोबा है पाकिस्तान की टीम का। तो ये अब चीजों को देखना, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप मैचेस कब शुरू होते हैं, और ये कोई आसान टूर्नामेंट नहीं है, इसमें आपको बहुत मैचेस खेलने हैं, और अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी खराब होती है तो बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए, सिर्फ एक दो ही नहीं कई खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल वक्त उसके बाद शुरू होगा। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान ही, हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते, और जब वर्ल्ड कप भारत में हो रहा हो तो फिर तो लोग ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। 96 का जो वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल था पाकिस्तान भारत में आ रहा, 82 में हम हॉकी वर्ल्ड कप अख्तर रसूल कप्तान थे वो जीत के आए और उनको बहुत ज्यादा उनकी पजीराई हुई, उनकी बहुत हौसला अफजाई हुई, वो एक हीरो बन गए उस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद। तो अब जब क्रिकेट की बात करते हैं तो 96 का जो क्वार्टर फाइनल जिसका मैंने जिक्र किया है पाकिस्तान हारा, फिर 2016 में भी पाकिस्तान भारत में खेलने के लिए गया उस वक्त भी पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया, तो अब जबकि 2023 में पाकिस्तान की टीम भारत जा रही है, तो ये उम्मीदें जरूर हैं, खामियां भी अपनी जगह पर मौजूद है, कमजोरियों का भी पाकिस्तान के लोगों को पता है, क्रिकेट टीम को भी पता है, और खिलाड़ियों के जहन में भी ये है कि उनके साथ गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से उनके ऊपर दबाव आया तनकीद का। ये तनकीद कोई बुरी चीज नहीं है, इसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान जैसे आप जिक्र कर रहे थे ना अभी कि लास्ट वर्ल्ड कप से लेके अब तक का जो टाइम गैप है,
क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने इस हवाले से इन एरियाज पर काम किया है, खुद को तैयार किया है, जहन साजी की है अपनी टीम की या खुद की कि हमने एक बड़े मैदान में उतरना है, वर्ल्ड कप जैसा आगे हमारे पास चैलेंज है, उसकी कोई तैयारी आपको लग रहा है कि पहले की गई थी, होमवर्क मुकम्मल है, या बस ऐसे ही जो जो खिलाड़ी अवेलेबल है बस उनको स्क्वाड में डाला और ठीक है हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी? देखिए, पाकिस्तान जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जो कमजोर शोबा है वो क्या है, कमजोर शोबा हिकमत अमली का और मंसूबाबंदी का। कमजोर शोबा किसका है? क्यादत का है। तो यही चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर भी नजर आती हैं। ये तैयारी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की होती, सिलेक्शन कमेटी ने की होती कि हमने वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाना है, तो वो ऐन मौके के ऊपर हसन अली तो टीम में ना आते। और हसन अली अगर पाकिस्तान के इतने ही शानदार गेंदबाज थे तो उससे पहले पाकिस्तान ने चंद रोज कबल एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेला, वहां पर तो फहीम अशरफ पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आए। ठीक है, तो ये हम तो बिल्कुल ऐन मौके के ऊपर जो तब्दीलियां करते हैं उससे ये अयां होता है, वाजे होता है कि हिकमत अमली के एतबार से दुनिया कहीं और सफर कर रही है और हम कहीं और देख रहे हैं। तो ये और जो खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान के खेल रहे हैं, ये सारे के सारे गुज़िश्ता 3-4 बरस में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। अगर हिकमत अमली का काम होता तो पाकिस्तान आज जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है तो हम ये सोच रहे हैं कि नए बॉल का बॉलर कौन है। नसीम शाह के रिप्लेसमेंट के ऊपर अगर आप मुतबादल तौर के ऊपर हसन अली को लेते हैं तो आपकी हिकमत अमली बेनकाब हो जाती है कि आप उसमें किस हद तक काम कर रहे थे। तो ये तो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारान 2019 से लेकर 23 तक वर्ल्ड कप को सामने हुए कोई तैयारी नहीं की गई है। और ये जो लड़के, ये जो प्लेयर्स पाकिस्तान के हैं, ये अपनी मदद आपके तहत और जो उनको क्रिकेट मिली उससे खेलते हुए आए। हाँ, अगर इसके मुतबादल के तौर पर आपने देखना है तो आपको नजर आ जाएगा कि हमारे पास क्या है, हम और क्या हम आज भी इसमें खतरा महसूस करते हैं कि उसामा मीर को खिलाना है या नहीं खिलाना है, नवाज की जगह पर किसको लेके जाना है। अगर तैयारी होती तो 2023 के सितंबर के महीने में सरफराज अहमद को लोग याद ना कर रहे होते, लोग इमाद वसीम को याद ना कर रहे होते, लोग मोहम्मद आमिर को याद ना कर रहे होते। देखिए, नसीम के अनफिट होने के बाद मोहम्मद आमिर के बारे में आवाज बुलंद हुई, तो उसका मतलब ये है दब गई ना, वो आपने तो बेंच तैयार नहीं किया आपने। ठीक, आमिर वाली आवाज भी दब गई और नसीम शाह का आप कह रहे हैं कि मुतबादिल हसन अली नहीं हो सकता, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपको पता है कि क्रिकेट फैंस जो हैं वो भी बड़ा इस फैसले को तनकीदी निगाह से देख रहे हैं, ये जो स्क्वाड बना है, ये जो तब्दीलियां हुई हैं, ये जो रिप्लेसमेंट्स दी गई हैं टीम के अंदर, इससे वो खुद मुतमईन नहीं है। देखिए, शायकीन तो जीता फतेहयाब देखना चाहते हैं अपनी टीम को, यही लोग, अगर यही टीम जीत जाती है तो यही लोग उनके गुण गाएंगे। ठीक है, तो शायकीन की तो जज्बात किसी और तरीके से होते हैं। जो लोग क्रिकेट कवर कर रहे होते हैं, जो लोग क्रिकेट के साथ जुड़े होते हैं, जिन्होंने लिखना होता है, बोलना होता है, जिन्होंने सारी चीजों को खामियों की निशानदेही करना होती है, वो किसी और तरीके से देखते हैं। शायकीन तो हसन अली अगर आउट कर जाते हैं तो वो कहेंगे अच्छा हुआ नसीम अनफिट हो गया, हसन अली उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर गया। लेकिन नसीम शाह को अगर आप देखते हैं तो जिस अंदाज में और जिस बेहतरीन तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे थे एशिया कप में, और बिलखसूस शाहीन आफरीदी के अनफिट होने के बाद जब से उनको कौमी टीम में मौका मिला, उन्होंने खेल के हर शोबे में बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया। टेस्ट मैचेस में देख लें, वनडे मैचेस में देख लें, T20 मैचेस में देख लें, दो मैचेस तो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी बैटिंग से जितवाए हैं पाकिस्तान को, बॉलिंग की तो बात बाद में। तो ये शायकीन का मिजाज बदलेगा उस वक्त जब पाकिस्तान टीम जीतेगी, और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की टीम हारती है तो फिर आप ये देखें कि ये लोग कहेंगे देखो जी तो पहले ही कह रहे थे इसको नहीं होना चाहिए, उसको होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए। और अब जो है ना, इन्होंने अपने आप को दुरुस्त साबित करना है कि हमें ही होना चाहिए था। और उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है कि आप अच्छी क्रिकेट खेलें, आपके नतायज अच्छे आने चाहिए। बिल्कुल ठीक, परफॉर्मेंस अब जो है ना वो मायने रखती है, अब सिलेक्शन तो हो चुकी है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि अभी जो वीजा के हवाले से बड़ी अनसर्टेनिटी का मामला चल रहा है कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का इशू है, आपने ये अभी फरमाया कि क्योंकि टीम बड़ी देर से सिलेक्ट हुई है सिलेक्शन के हवाले से, उसके बाद ही तो सारा प्रोसेस होता है, तो ये जो एम्बिगिटी है, ये चीजें असल में इनिशिएट कहां से हुई हैं, भारत जिम्मेदार है इसका लेकिन, या फिर पाकिस्तान की तरफ से डिले हुआ है? देखिए, अब जिस जितने दिन बाकी है ना और जो होना है, अब ये पाकिस्तान की टीम ने भारत जाना ही जाना है। ठीक, ये जब हम शो कर रहे हैं, ठीक है, हमारे शो से कुछ देर पहले या कुछ देर बाद में ये वीजे जारी होने ही होने,
ये हो ही नहीं सकता आपके पाकिस्तान की टीम को वीजे जारी ना हो। मतलब आप ये कहते थे ना कि किसी एक दफ्तर में एक फाइल पड़ी हुई है, आप किसी एक मखसूस वक्त तक ही उस फाइल को अपने पास रोक सकते हैं, आप उससे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। तो ये जो वीजों वाला मामला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत सफर करना ही करना है और ये वीजे जारी होने ही होने हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए सारी दुनिया से लोगों ने इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में देखने के लिए आना है। सही कह रहे हैं आप। एन मौके पर भारत इस चीज का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान को वीजे जारी ना करे, अपने पूरे के पूरे जो 9-10 मैचेस हैं पाकिस्तान पे वहां पे उनको बिल्कुल एक साइड पे कर दे और बेड़ा गर्क कर ले, इवेंट का बिल्कुल सत्यानाश हो जाना है। अगर वो वीजे पाकिस्तान के जारी नहीं करते ना, तो उनको पता है कि उनको उसके ऊपर उनको अपना माली तौर पर कितना नुकसान होना है। पाकिस्तान ने जहां पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं ना, वहां वहां पे आप होटल्स को देखें और दीगर जो सऊदियात है ना कयाम ताम की, उसको देखें, वहां पर लोग किस तरीके से उसको उसमें इजाफा हुआ है, लोग कितने किस तरीके से वहां पर इन ऐसी चीजों को ढूंढ रहे हैं कि वहां पर रहना कहाँ है, दो दिन रहना है, तीन दिन रहना है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, खबर की हद तक ठीक है कि वीजे जारी नहीं हो रहे, लेकिन खबर यही होनी है कि वीजे जारी हो गए और पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर। चलें, दैट्स ग्रेट हाफिज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया शो में। जिस तरह से हाफिज इमरान ने कहा कि भारत का अपना भी बहुत कुछ स्टेक पर है, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जैसी टीम को वीजा जारी ना हो, क्योंकि इससे बड़ा पाकिस्तान भारत का भी बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे जनरेट होगा और इतना बड़ा मैच है, इतना बड़ा इवेंट है। और पाकिस्तान और भारत का मैच, आपको पता है कि हमेशा से पाकिस्तान हो या फिर भारत हो, दोनों जगह पर इक्वली उसके अंदर इंटरेस्ट शो किया जाता है और सिर्फ एक खेल की हद तक नहीं, इसके अंदर जज्बात जुड़े होते हैं। तो एक बड़ा टाकरा जो है, एक बड़ा इवेंट जो है वो आने जा रहा है और उसकी तैयारियों के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे इमरान के साथ कि जो अभी स्क्वाड बना है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमने अभी बनाई हैं और क्या हो सकती थी, क्या मुतबादिल हमने दिए हैं, क्या नहीं दिए जाने चाहिए थे। लेकिन हाफिज इमरान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी ये तो वक्त बताएगा कि ये जो तब्दीलियां की गई हैं, ये जो लोग दिए गए हैं, ये खुद को कितना सही साबित करेंगे अपनी परफॉर्मेंस से। और अल्लाह करे, हमारी दुआ भी है कि पाकिस्तान ये ट्रॉफी जीत कर अपने वतन लेकर आए, लेकिन इसके साथ साथ हमें मैदान में, हमें ग्राउंड में भी तो परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो हिकमत अमले की बात कर रहे थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप ये देखते हैं और उसके बाद ये सारा फैसला कप्तान करता है। तो मोर पावर टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हम चाहते हैं कि आप जीत कर आएँ, ट्रॉफी लेकर आएँ, हमारी सारी दुआएं, नेखा इशात आपके साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अभी अपने इख्तिताम को पहुंच के अपना बहुत ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।